ये है कल्कि का श्राप एपिसोड 5। चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। शेरा का गुस्सा देखकर अधीरा कांपने लगा। उसे समझ नहीं आया अब वो कैसे उसका मुकाबला करेगा। क्या हुआ अधीरा, ऐसे तो तुम बड़ी हुंकार भर रहे थे, अब डर गया क्या? करतार सिंह ने जैसे ही कहा गुस्से के मारे अधीरा की आंखें लाल हो गई। अभी बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। क्या ये भूल गया कि इससे पहले मैं इसको 6 बार हरा चुका हूँ? हाँ, हरा चुके हो, लेकिन वो इतिहास था। आ जाओ मैदान में, मैं एक साथ सभी हारों का बदला आज निकाल लूंगा। अगर अधीरा मैंने तेरा कचूमर नहीं निकाल दिया तो मेरा नाम शेरा नहीं। आओ। शेरा ने गुस्से में अधीरा को ललकारा, जिसके बाद अधीरा ने जल्दी से अपने कपड़े खोले और अखाड़े में कूद पड़ा। अधीरा भी दिखने में अच्छा खासा था, उसका सीना काफी चौड़ा और मजबूत था। शेरा उसे अपनी तरफ आते हुए देख रहा था। रेफरी ने जैसे विसल बजाई, उन दोनों के बीच भयंकर दंगल शुरू हो गया। कभी शेरा उसे जोर लगाकर फेंक देना चाहता तो कभी अधीरा, लेकिन दोनों ही एक दूसरे पर अच्छे से दाम नहीं लगा पा रहे थे। जहां एक तरफ शेरा ताकतवर था तो वहीं दूसरी तरफ अधीरा फुर्तीला था। वो शेरा के हर दांव को चालाकी और फुर्ती से नाकाम कर रहा था। ये, आओ, ऐसे तो बड़ा बोल रहे थे, आओ ना। अधीरा ने जैसे तैसे करके उसको उकसाने की कोशिश की। वो जानता था उसको ताकत से नहीं हराया जा सकता है, बल्कि इसके लिए उसे उकसाना होगा। आना। अधीरा ने जैसे ही उसे उकसाया, शेरा को गुस्सा आ गया। तेरी तो मैं बताता हूँ तुझे। उसने गुस्से में अधीरा को कमर से पकड़ा और उसके बाद उठाकर जोर से फेंका। वो चीख उठा। अब आएगा मजा, आना। शेरा ने गुस्से में जोर से अधीरा को ऊपर उठा लिया। अधीरा अब थर थर कांपने लगा। सूरज भान सिंह सहित सब लोग शॉक्ड थे। उन्होंने कभी भी ऐसा सीन पहले नहीं देखा था कि अधीरा को कोई पहलवान इस तरह से ऊपर उठा ले। वो उसे किसी बच्चे की तरह उठाकर लहरा रहा था और अगले ही पल उसने उसे उठाकर दूर फेंक दिया। वो जोर से कराहा, मगर फिर भी शेरा का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। उसने गुस्से में जाकर उसकी छाती पर अपना पैर रख दिया। अधीरा चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था, वो बस चीख रहा था। वो चीखते हुए अपने हाथ को उसके आगे जोड़कर छोड़ देने के लिए भीख मांगने लगा। ए, ठाकुर, देख, देख तेरे भतीजे की हालत, देख कैसे मेरे आगे हाथ जोड़ रहा है। जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। तुमने करतार सिंह जी का अपमान किया था ना, अब देख, अब तू खुद उस प्रथा की वजह से मेरी जूतियों में पानी डालकर पिएगा। हाँ, यही वो प्रथा थी जो सालों से इन दोनों गांवों के बीच में चली आ रही थी। शेरा के दिल में उसी प्रथा को लेकर दर्द था, जिसे आज उसने अधीरा को पटकनी देकर उस दर्द को कुछ हद तक शांत किया था। प्रथा के मुताबिक दोनों ही गांव की तरफ से 4-4 पहलवान भाग लेते थे। जिस गांव के पहलवान मुकाबला जीत जाते थे, यानी चारों में से किसी एक गांव का पहलवान अगर आखिरी तक टिका रह जाता तो उसके बाद सामने वाले गांव की हार मान ली जाती, जिसके बाद हारे हुए गांव के मुखिया को जीते हुए पहलवान के पैरों को एक बर्तन में घी, दूध और पानी से धोना पड़ता और उसके बाद उसी जीते हुए पहलवान की जूतियों में डालकर उस घी, दूध और दही में मिले पानी को पीना पड़ता। इस दौरान सब उसका मजाक बनाते। इसके अलावा प्रथा के मुताबिक एक दिन के लिए हारे हुए गांव के बाजार से जीते हुए गांव के लोगों को फ्री में सामान लेकर आने की भी अनुमति होती। मतलब साफ था, जीता हुआ गांव हारे हुए गांव को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ता। सहारनपुर के मुखिया करतार सिंह पिछले 30 सालों से इस प्रथा के अनुसार उदयवाड़ा गांव के अलग अलग जीते हुए पहलवानों के पैरों को साफ करके पानी पी चुका था। इसके साथ ही इन 30 सालों में उदयवाड़ा गांव के द्वारा सहारनपुर गांव के लोगों को इस प्रथा के अनुसार खूब लूटा भी जाता।
हालांकि बीच में ठाकुर करतार सिंह इस दंगल को गांव वालों की भलाई के लिए बंद कर देना चाहते थे, लेकिन गांव वालों ने उनकी लाज रखने के लिए कहा कि जब तक वो उदयवाड़ा गांव के ठाकुर को सबक नहीं सिखा देते तब तक वो चैन की सांस नहीं लेंगे। और यही वजह थी कि इतना सब होने के बावजूद भी वो दंगल को जीतने की पूरी कोशिश करते, मगर 30 सालों में कभी सहारनपुर गांव जीत नहीं सका था। लेकिन इस बार शायद उल्टा होने वाला था। शेरा को अपने भतीजे की छाती पर पैर रखे खड़ा हुआ देखकर ठाकुर की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। वो कुछ बोल पाता इतने में ही, क्या हुआ अधीरा, मान ली क्या हार तुमने? उसने गुस्से में जैसे ही कहा, अधीरा का चेहरा उदास हो गया। उसने उसे छोड़ देने के लिए हाथ जोड़ लिए, जिसके बाद उसने अपने पैर को दूर कर लिया। रेफरी ने शेरा को विजेता घोषित कर दिया। ये लो, इस बार पूरा ही उल्टा हो गया है। उदयवाड़ा की आन बान और शान ठाकुर सूरजभान सिंह का भतीजा अधीरा सिंह आज हार गया है। अब परंपरा के अनुसार उदयवाड़ा गांव के ठाकुर सूरजभान सिंह को पहलवान शेरा के पैरों को धोना पड़ेगा और उसके बाद उस पानी को पीना पड़ेगा। लेकिन 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 अभी सिर्फ उदयवाड़ा की तरफ से 3 ही पहलवानों ने भाग लिया है। अब देखना यह होगा कि चौथा पहलवान कौन होगा। अब आएगा मजा। तुम लोगों ने ही इस प्रथा को चलाया था ना, तो अब तुम लोग ही इस प्रथा को भुगतो। शेरा के ऐसा कहने के बाद ठाकुर ने अपनी गर्दन को झुका लिया, तो वहीं अधीरा अखाड़े से बाहर नीचे गर्दन करके चला गया। है कोई और? अभी तुम्हारे गांव की तरफ से सिर्फ 3 ही पहलवान आए हैं। आओ मैदान में। कोई है माइका लाल, या सबकी रगों में खून की जगह पानी बह रहा है? ठाकुर सूरज भान सिंह ने गुस्से में अधीरा की तरफ देखा और उसके बाद शेरा की तरफ। मैं हूँ शेरा, मैं लड़ूंगा तुम्हारे खिलाफ, आओ मैदान में। 50 वर्षीय ठाकुर सूरजभान सिंह ने अपने कुर्ते को निकालते हुए अखाड़े की तरफ बढ़ने लगे। अरे इस बुढ़ापे में सठिया गए हो क्या ठाकुर साहब? अरे कहीं हड्डी वड्डी टूट गई तो? तुम अपने काम से मतलब रखो शेरा, क्या तुम मुझसे दंगल लड़ने से डरते हो? आओ मैदान में, अगर तुझमें इतनी ही ताकत है तो। ठाकुर सूरजभान सिंह ने अपने सारे कपड़े उतार दिए। 50 की उम्र में भी ठाकुर दिखने में काफी मस्कुलर लग रहा था। उसे देखकर एक बार तो सारे लोग शॉक हो गए थे, तो वहीं शेरा को भी यकीन नहीं हो रहा था कि क्या वो सच में उसके साथ दंगल लड़ेगा। लेकिन ठाकुर की आंखों को देखकर अब ऐसा ही लग रहा था कि वो पीछे नहीं हटने वाला है। ऐसे में शेरा भी सोचने पर मजबूर हो गया कि उसे ठाकुर को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि कुछ सालों पहले तक वो भी उदयवाड़ा का एक जाना माना पहलवान था। आखिर क्या ठाकुर शेरा जैसे पहलवान को पटकनी देकर एक बार फिर करतार सिंह को उस प्रथा का पालन करने को मजबूर कर देगा? ठाकुर अपने कपड़े उतार कर अखाड़े में उतरने ही वाला था कि तभी अचानक से उनके पीछे से किसी ने आवाज दी। मेरे बच्चे के होते हुए आप अखाड़े में कूदोगे? भला ये तो नाइंसाफी हुई ना। उदयवाड़ा की लाज रखना अब हमारी भी तो जिम्मेदारी है। पीछे से किसी आदमी की आवाज सुनकर सब उस तरफ देखने लगे। ठाकुर खुद भी जानना चाहता था कि उसे किसने आवाज दी है। वो पीछे मुड़कर जैसे ही देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके सामने समीर सिंह चौहान था। उसकी ठीक बगल में हट्टा कट्टा लड़का चल रहा था जो उम्र में करीब 25 साल का ही था, लेकिन बॉडी उसकी देखने लायक थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो काफी वक्त से ही पहलवानी कर रहा है। शेरा ने भी उसे जैसे ही देखा तो वो चौंक गया, क्योंकि उसे उसकी शक्ल जानी पहचानी सी लग रही थी, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि वो लड़का है कौन। अरे ये कौन, तेरा बेटा रुद्र? अरे ये तो पतला सा था ना। हाँ पतला सा था, लेकिन अब नहीं है ठाकुर साहब। इसको मैंने दिल्ली के ही छत्रशाल में तैयारी करने के लिए भेजा था। अरे वाह, लेकिन कब? वो बाद में पता चल जाएगा, लेकिन पहले आप इसका दंगल देखिए। उसने जैसे ही कहा, शेरा की आंखें चौड़ी हो गईं,
क्योंकि वो उसे जानता था। वो उसके साथ प्रैक्टिस नहीं करता था, मगर उसने उसे प्रैक्टिस करते हुए देखा था। वो बड़े बड़े पहलवानों को कड़ी टक्कर ही नहीं बल्कि उन्हें पटकनी भी देता था। उसे सब याद आ गया। दिखने में वो भले ही शेरा के जितना मस्कुलर नहीं लगता था, लेकिन दांव लगाने में वो माहिर था। उसकी फुर्ती की तो पूरे स्टेडियम में तारीफें होती थी। हाँ तो भाई लोगों, अब इस दंगल में फिर से एक नया मोड़ आ गया है। जिस लड़के को हम कल तक पतला होने के चलते चिढ़ाते थे, आज उसकी बॉडी देखकर बड़े बड़े रेसलर्स की भी हालत खराब हो सकती है। मतलब रुद्र। देखते हैं अब कौन ये दंगल जीतता है, शेरा या फिर रुद्र। चलो भाई रेफरी साहब, दंगल शुरू करवाओ। रेफरी ने दोनों ही पहलवानों को हाथ मिलाने के लिए इशारा किया और अगले ही पल विसल बजाकर दंगल शुरू करवा दिया। जहां शेरा दिखने में बहुत ताकतवर, हट्टा कट्टा और लंबा चौड़ा लग रहा था, तो वहीं रुद्र की बॉडी काफी कसी हुई होने के साथ साथ वो दंगल की कई नई तकनीकें सीख चुका था। उसमें गजब की फुर्ती थी। हर बार शेरा उसे पकड़कर दाम लगा पाता, इतने में ही वो उसकी पकड़ से छूट रहा था। करतार सिंह खुद जोश में आ गए। वो अपनी जगह से खड़े होकर शेरा का हौसला बढ़ा रहे थे। अरे शेरिया, जाने मत देना इसे, कच्चा छोरा है। पटक उठाकर जोर से, ताकि इसके बाप और ठाकुर दोनों को पता चले कि तू क्या है। कच्चा छोरा है, टूट जाएगा। करतार सिंह ने उसको उठाने के लिए कहा। शेरा अपना दाम लगाने के लिए उसके पैरों को पकड़कर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल वो हवा में उछलकर उसकी पकड़ से निकल गया। ये कमाल कर दिया छोरे तूने तो। ठाकुर अपनी जगह से उछला। वाह शाबाश बेटा, उसे थकाओ तुम, खूब थकाओ। इस दौरान शेरा की हालत खराब होती जा रही थी। वो अपना दांव लगा पाता, इतने में ही उसने उसको कमर से पकड़ा और हवा में उछालते हुए अपना दांव लगा दिया। वाह वाह कमाल कर दिया, ऐसा खिलाड़ी मैंने आज तक नहीं देखा। इधर शेरा जैसे ही पीठ के बल गिरा, उसका अस्थि पंजर ढीला हो गया। वो दर्द के मारे करहाने लगा, मगर उसने अपने सामने बैठे उदास करतार सिंह को जैसे ही देखा, गुस्से के मारे उसकी भौहें तन गई। तेरी तो, उसने गुस्से में शेरा को ऊपर उठा लिया। शेरा करीब 6.5 फीट ऊंचा था। उसने जैसे ही उसको ऊपर उठा लिया, सब ये देखकर शॉक हो गए, खासकर ठाकुर सूरज भान सिंह। वो ये सोचने लगा कि अब वो उसे इतनी ऊपर से नीचे पटकेगा तो शायद ही वो दोबारा खड़ा हो सके। मगर वो आगे कुछ और सोच पाते इससे पहले ही रुद्र ने हवा में ही अपने शरीर को बैलेंस किया और उसके बाद वो नीचे कूद गया। मगर इस दौरान उसने शेरा की गर्दन को मरोड़ दिया। तुरंत शेरा के पैर हवा में ऊपर की तरफ उठ गए। उसने कमर का सहारा लगाया और शेरा को हवा में किसी बॉल की तरह उछालकर करीब 10 फीट दूर ले जाकर पटक दिया। इतना खतरनाक मूव सूरज भान सिंह ने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। और इस बार जैसे ही शेरा पथरीली जमीन पर गिरा, तो वो दोबारा नहीं उठ सका। वाह शाबाश शाबाश छोरे, तू तो छा गया रे। शेरा एक बार गिरने के बाद उठ ही नहीं सका। वो दर्द के मारे करहाने लगा। सब गांव वाले जोर जोर से तालियां बजाने लगे, तो रुद्र ने अपने दोनों हाथों को जोड़कर सबके सम्मान में झुक गया। क्यों, मैंने कहा था ना ठाकुर साहब, मेरा लड़का अब पहले जैसा नहीं रहा, अब वो किसी को भी पटखनी दे सकता है। हाँ भाई मान लिया, तुमने तो दिल खुश कर दिया समीर। मांग लेना जो तेरे मन में हो, मैं तेरी और तेरे बेटे की अब हर इच्छा पूरी करूंगा। ठाकुर ने उसको गले से लगा लिया। इधर एक तरफ जहां जश्न था, वहीं दूसरी तरफ बूढ़े करतार सिंह की उम्मीदों पर एक बार फिर पानी फिर गया था। उनके चारों ही पहलवान हार चुके थे। ऐसे में अब उनको प्रथा का पालन करना था। वो अपनी पगड़ी को उतार कर जमीन पर रख देते हैं। शेरा अब भी पड़ा पड़ा अपने ही गांव की मुखिया की पगड़ी को उतरता हुआ देख रहा था। उसे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो अब चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। उसकी सारी पसलियां टूट चुकी थीं। इस दौरान अधीरा, जो पहले उदास बैठा हुआ था, वो भी वहां उछलने लगा था।
उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आखिर हो भी क्यों ना, एक बार फिर उनका गांव जीत गया था। अब करतार सिंह जी इंतजार किसका कर रहे हो, आओ। अधीरा ने बैठे हुए करतार सिंह का हाथ पकड़ा और उसे ठाकुर की तरफ लेकर जाने लगा। सहारनपुर गांव के लोग ये सब देख नहीं पा रहे थे, ऐसे में वो एक एक करके वहां से जाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर एक पुरुष का बलात्कार होगा, लेकिन जो प्रथा थी उसे अब निभाना तो था ही। ऐसे में करतार सिंह बेमन से ठाकुर की तरफ बढ़ते हैं, जहां पहले ही रुद्र खड़ा था। क्या हुआ करतार सिंह जी, आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? आपको तो हमारे गांव के करीब करीब सभी पहलवानों के पैरों को धोकर जूतियों में पानी डालकर पीने की अब ऐसी लत लग गई है कि पूछो मत। और ऊपर से आपके पहलवानों ने भी मानो आपसे बगावत कर ली हो, जो कभी जीतते ही नहीं। आपने तो मेरी भी जूतियों में पानी डालकर पिया है और अधीरा की भी। चल रुद्र बेटा, अब तेरी बारी है। बेटा तू इतना अच्छा पहलवान है कि अब तू इसकी आदत डाल ले। चल बैठ जा इधर, समझिए अब तक की तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। उसने रुद्र को अपने पास बैठाया। उसके बाद हर साल की तरह इस बार भी एक बड़ा सा बर्तन लाया। ठाकुर के कहे अनुसार रुद्र ने अपनी जूतियों को उतार दिया और उसके बाद अपने पैरों को उस बर्तन में रख लिया, जिसके बाद करतार सिंह ने पास ही में रखे पानी, दूध, दही और घी से रुद्र के पैरों को धोना शुरू किया। रुद्र मुस्कुरा रहा था। इस दौरान उसके चेहरे को देखकर ऐसा ही लग रहा था जैसे उसने कुश्ती में देश के लिए कोई गोल्ड मेडल जीत लिया हो। उदयवाड़ा गांव के हर पहलवान का भी यही सपना होता था कि वो एक दिन सहारनपुर गांव के सरपंच से अपने पैर धुलवाएंगे। अरे ऐसे भी कोई पैर धोता है क्या? अच्छे से धोवो ना, इतने सालों का अनुभव है फिर भी अच्छे से नहीं धो सकते हो। इसके बाद करतार सिंह जी उसके पैरों को अच्छे से धोने लग गए। इस दौरान उदयवाड़ा गांव के लोग उनका मजाक बनाने लग गए, तो वहीं वो साथ में ताली भी बजा रहे थे। रुद्र भी मुस्कुरा रहा था, आखिर उसने अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल चुकी थी। कुछ ही देर बाद उसके पैरों को अच्छे से पोंछ दिया गया और उसके बाद करतार सिंह जी ने उस पानी को आंखें बंद करके पिया। ये उनके लिए अपमान के घूंट थे। इधर अधीरा ये सब देखकर बेहद खुश हो रहा था। अगले कुछ ही देर में वहां अंधेरा होने लगा था। ये अंधेरा और भी ज्यादा घना और काला था, मानो कोई वहां दस्तक देगा। गांव वालों, 12 बजने वाले हैं, अब सब जल्दी से अपने अपने घरों की तरफ चले जाएं। कल सुबह हम सब जल्दी ही सहारनपुर चलेंगे। करतार सिंह जी आप भी अब अपने गांव वालों के साथ अपने घर चले जाइए। क्या है ना, अब उसके आने का वक्त हो चला है। उसके बाद भयानक काले बादल आसमान में मंडराने लगे। सभी गांव वालों ने मैदान को जल्दी से खाली कर दिया और अपने घरों की तरफ निकल पड़े। इधर करतार सिंह जी भी सभी गांव वालों के साथ जल्दी से ट्रैक्टर से निकल पड़े। कुछ ही देर में मैदान खाली हो गया। वहीं ठाकुर बाकी सबके साथ हवेली पहुंच गया। इस दौरान एक काली परछाई जो जंगल में थी वो उनके पीछे पीछे होली। उसकी पूरी नजर अधीरा पर थी, मानो वो किसी पल गलती करे और वो उसे वहीं दबोच ले। आखिर क्या वो कल्की ही है? अगर हाँ तो उसका कुश्ती के मैदान से क्या कनेक्शन है? जानने के लिए कहानी के साथ बने रहिए। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आगे का एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।